हम लोग अभी रुवान वैली स्तूप में हैं और हमारे साथ प्रोफेसर उत्पल रंजीत जी हैं और साथ में रश्मि चौधरी जी हैं। उत्पल जी श्रीलंका के बहुत नए लेखकों में बहुत ही हिंदी के अच्छे लेखक माने जाते हैं, उन्होंने जातक कथाओं पर भी काम किया है। और रश्मि जी इतिहास के क्षेत्र में काम कर रही है और जाहिर है कि हम सब मिल करके ग्रामीण इतिहास पर और क्रिएटिव हिस्ट्री पर काम करते रहे। तो आप कुछ बता रहे थे उत्पल जी इसके बारे में। तो ये सूप इसमें दूसरी शताब्दी में बनाया गया है। ये सूप राजा दुतुगमुनु ने उससे पहले वो यहाँ का राज अनुराधपुर का राज वो एलार नामक एक तमिल राजा के अधीन था और वे दक्षिण भारत से आए हुए थे और उनके अधीन ये चलता रहा। लेकिन दुतुगमुनु राजा दुतुगमुनु दक्षिण श्रीलंका में अपनी सेनाओं का वो तैयारियां करके जहाँ ले आए, इनके साथ वो लड़ाई की और एलार को हराया राधपुर में। और इसके बाद इस घटना की स्मृति में ये स्तूप बनाया गया है इसमें दूसरी शताब्दी में। अच्छा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण और एक पूजनीय और ऐतिहासिक जगह है। ये 1960 के बाद इसका प्रतिसंस्करण माने पुनर्निर्माण 1960 के बाद। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो उसमें उससे पहले जो किस तरह था। लेकिन आप बाद में एक बौद्ध उपासक ने अपने धन का परित्याग किया है, धन का दान देकर इस तरह पूजनीय है। लोग दिशा से आते हैं, पुण्य भूमि है। द्वार पे हाथी का ये हाथी प्राकार कहते हैं इसे। हाथी प्राकार। अच्छा, हाथी माने वो हाथी प्रकार टाइप प्राकार 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 माने क्या कहेंगे रैम्पर्ट हाथी वॉल। अच्छा, हाथी का बलशाली। हाँ, जिसको कई बार हम कहते हैं ना कि हर क्षेत्र में दीवालों पर कुछ भित्ति चित्र बनाने की परंपराएं रही हैं। ये इसी शती दूसरी शताब्दी वो शैल। अच्छा, इसमें भी दूसरी शताब्दी से पूर्व के शैल है। और यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहा है और पुनः फिर से जी एक 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 परियोजना चल रही है। जो हमारे अभयगिरी वाले ये सब उनका नाम क्या बताया आपने? पूज्य गोडबिंदे पन्या सिंह तेरो यहाँ के निदेशक हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आपको कल मैंने दिखाया ना वो